Oh, man, I'm sorry. I don't apologize. There's gotta be a black Spider-Man somewhere out there. तो नो वे होम के इस डायलॉग से ये क्लियर हो गया कि माइल्स मोरेलेस की एक लाइव एक्शन मूवी आएगी, जरूर आएगी, बट कब आएगी, उसमें विलेन कौन होगा, माइल्स मोरेलेस का रोल कौन प्ले करेगा, ये सारी इन्फो इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। माइल्स मोरेलेस लाइव एक्शन मूवी की मैं सारी डिटेल्स आपको आज ही बताऊंगा। एंड सुपर हीरो फैंस, खासकर स्पाइडी फैंस के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि माइल्स मोरेलेस की लाइक एक लाइव एक्शन मूवी बनेगी भी या नहीं, हाँ या ना। तो जवाब है इसका हाँ, इवन बन रही है वो अभी, बिकॉज स्पाइडरमैन के प्रोड्यूसर्स एमी पास्कल एंड एवी अराड ने ये खुद कंफर्म किया है कि दूसरे स्पाइडरवर्स प्रोजेक्ट्स के अलावा माइल्स मोरेलेस की एक लाइव एक्शन मूवी भी अभी डेवलपमेंट में है। माइल्स मोरेलेस के अलावा ये लोग एक स्पाइडर वुमेन मूवी भी बना रहे हैं, ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग ये उतना कुछ अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज फिर स्पाइडरमैन के आइडिया में यूनिकनेस रह ही नहीं जाएगी जब इतने सारे स्पाइडरमैन हो जाएंगे, इवन स्पाइडर वुमेन भी आ जाएगी, तो उसका क्या ही मतलब बनता है। खुद सोचकर देखो कि 100 लोगों की भीड़ है एंड बीच में एक स्पाइडरमैन है, वो सीन ज्यादा अच्छा लगेगा कि 100 के 100 स्पाइडरमैन ही है। सोचने वाली बात है यार। तो ऐसा कुछ ना हो कि लाइक जैसे हल्क को मार्वल ने बर्बाद किया है और एंड में शी हल्क बनाया और लाइक अबोमिनेशन का क्या हाल किया, तो उस तरह से स्पाइडर वुमेन ना दे दे हमें। हल्क के शी हल्क वाले वर्जन को देखने के बाद ना अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। बट वापस आते हैं आज के टॉपिक माइल्स मोरेलेस की लाइव एक्शन मूवी पर। तो कंफर्मेशन तो हमें इस बात की तभी मिल गई थी जब नो वे होम में इलेक्ट्रो ने ये चीज बोली थी कि कहीं ना कहीं एक ब्लैक स्पाइडरमैन भी होगा। इसके अलावा एमसीयू के प्रोड्यूसर्स ने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी के सीक्वल की भी बात बोली है, उस पर भी काम चल रहा है, हालांकि उतनी तेज नहीं चल पा रहा है बिकॉज अभी जो राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है उसके चलते काम थोड़ा सा स्लो है, ऐसा उनका मानना है। बट पास्कल ने बोला है कि जैसे ही राइटर्स के दिमाग ठिकाने आएंगे वो लोग वापस से इन सारे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर देंगे। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माइल्स मोरेलेस का रोल लाइव एक्शन मूवी में प्ले करेगा कौन, क्योंकि देखो स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें लाइक कुछ एक यूनिक चीजें होनी बहुत जरूरी है। लाइक वो एक टीनेजर है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बहुत लाइट रहता है, हमेशा उसका मूड बहुत इंटेंस नहीं होता, बहुत एग्रेसिव नहीं होता। यहाँ पर मिगल ओहारा एक एक्सेप्शन है, उसको गुस्सा नहीं आता। किसने बोला गुस्सा आता है, देखो कहाँ गुस्सा आ रहा है। और इसके अलावा बहुत ही बहुत ही पेशेंस वाला बंदा है। तो ये सारी क्वालिटीज स्पाइडरमैन की कौन सा एक्टर परफेक्टली पोर्ट्रे कर पाएगा, इसको लेकर भी कुछ रूमर्स आई हैं सामने। लाइक शेमिक मूर जो माइल्स मोरेलेस की ये एनिमेटेड मूवीज में वॉइस देते हैं, उनको लेकर कुछ बोला गया कि लाइक ये लाइव एक्शन मूवी में परफॉर्म कर सकते हैं इसका रोल, या फिर टाइलर जेम्स विलियम्स का भी नाम आ रहा है सामने। लेकिन शेमिक मूर को लोगों ने तो इतना बोल दिया कि तुम बैकग्राउंड वॉइस ही दो, वही बहुत है, तुम लाइव एक्शन में रोल प्ले नहीं कर पाओगे, जिसको लेकर उन्होंने उन्हें हेटर बोल दिया। तो काफी गर्मा गर्मी चली थी बीच में, बट अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि माइल्स मोरेलेस का रोल फाइनली कौन प्ले करेगा। तो लेट्स सी वो किसे कास्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो एक्टर टोबी एंड एंड्रू की तरह स्पाइडरमैन के रोल को आइकॉनिक बना पाता है या नहीं। वही बात करें कि इसमें विलन कौन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक जैसा कि हमने एनिमेटेड सीरीज में देखा है कि द प्राउलर जो उसमें विलन था वही लाइव एक्शन में मे बी विलन बने। ऑल्दो एक र्यूमर ये भी है कि प्राउलर को विलन ना बनाकर यहाँ पर स्कॉर्पियन की वापसी हो सकती है, एंड मेरी पर्सनल तो सोच यही है उसे लेकर कि एज अ सुपर विलन वो बहुत कूल है। ऑल्दो उसे अभी तक लाइक कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बहुत हल्का सा अपीयरेंस हुआ था उसका। अगर आपको याद हो तो होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने उसे वल्चर से बात करते हुए देखा था, एंड जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल देख रखी है वो लोग इस एक्टर को नाचो नाम से जानते होंगे, नाचो वार्गा। बट जो भी है ये बंदा स्कॉर्पियन के रोल के लिए पता नहीं क्यों इतना परफेक्ट है, मतलब आई रियली डोंट नो। एंड ये पक्का है कि लाइक अगर इसे स्क्रीन टाइम मिला या इसे किसी मूवी में जगह मिली तो ये स्कॉर्पियन के विलन के रोल को मतलब बिल्कुल परफेक्टली प्ले करेगा, उसे लेजेंड बना देगा। तो मेरे हिसाब से माइल्स मोरेलेस में इसे इंट्रोड्यूस करना लाइक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है। सो कुल मिलाकर ये कंफर्म है कि माइल्स मोरेलेस की लाइव एक्शन मूवी बनेगी, कब बनेगी वो स्ट्राइक वगैरह खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। इसको लेकर जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। सो ताजी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसे लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।